पटना के जक्कनपुर थाना अंतर्गत पोस्टर पार्क खास महल इलाका में चल रहा था खून का अवैध धंधा। इस खून के काले कारोबार का जक्कनपुर थाना ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने शनिवार को छापा मारकर इस गिरोह के सरगना संतोष कुमार और एजेंट सोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उनके गिरफ्तारी के साथ साथ इनके पास 4 ब्लड बैग भी बरामद किए गए। सूत्रों की माने तो पिछले 6 महीने से दोनों यहां रहकर खून की खरीद बिक्री कर रहे थे। वहीं जक्कनपुर थाना अध्यक्ष मुकेश वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार दोनों धंधेबाज के तार पटना के कई निजी अस्पताल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान कई खून के डोनर भी मिले हैं, जिन्हें पैसे की लालच देकर खून निकलवाने के लिए लाया गया था। आपको बता दें कि इस मानव की खून खरीद बिक्री में शामिल दूसरे लोगों की तलाश में पुलिस अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही है। सबसे बड़ी बात यह चौंकाने वाली है कि कुछ निजी अस्पताल के मालिक बिना जांच किए हुए ब्लड को इन लोगों से कम दाम में खरीद लिया करते थे। बताया जा रहा कि दोनों धंधेबाज रोज अस्पतालों में खून की सप्लाई करते थे। अब पुलिस अस्पताल कर्मियों की तलाश कर रही है जहाँ जहाँ यह खून की सप्लाई किया करते थे। आपको बता दें कि वहाँ मौजूद ब्लड डोनरों ने कहा कि 1 यूनिट ब्लड के बदले उन्हें 1000 रुपया दिया जाता था, जबकि यह खून अस्पतालों में 2000 से 2200 रुपया में बेचा जाता था। पटना में पहले भी खून के काले कारोबार का उजागर हो चुका है। आपको बता दें कि 2013 में पीर बहोर और गांधी मैदान थाना अंतर्गत इस संबंध में कई केस दर्ज किए गए थे। वर्ष 2013 में तत्कालीन SP मनु महाराज की टीम ने PMCH और गांधी मैदान के आसपास से ऐसे कई लोगों को पकड़ा था, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी और वैसे ब्लड बैंकों को भी बंद किया गया था। आज के घटना से यह साफ जाहिर होता है कि पटना में अभी भी कई ऐसे खून के धंधेबाज अपना कारोबार चला रहे हैं और कई तरह की बड़ी बीमारियां निजी अस्पतालों तक पहुंचा रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। और इसकी पहल आज फिर जक्कनपुर थाना अंतर्गत में देखने को मिली है। पहले डोनर धंधे में कैसे आ गए? खून देने के बदले आप हमको डायरेक्ट पकड़ के लाया गया था, डायरेक्ट हमको बुलाते थे अपने पास। 1000 कहाँ के रहने वाले? पटना में। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।